पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड द्वारा उत्तराखंड के सभी जनपद प्रभारियों व परिक्षेत्र प्रभारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के अपराध एवं कानून व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यों के संबंध में समीक्षा बैठक ली गई। एडीजी अशोक कुमार ने बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान दिशा निर्देश देते हुए कहा, जनता के साथ अच्छा व्यवहार करने तथा अपनी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता विश्वसनीयता बरतने पर बल देते हुए सभी अधिकारियों से व्यावसायिक दक्षता के साथ कार्य करने की बात कही। उन्होंने कहा कि आज के परिदृश्य में यातायात प्रबंधन भी अपराध एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के समान ही महत्वपूर्ण हो गया है। इसके लिए सभी जनपद प्रभारियों से अपने अपने जनपद की यातायात व्यवस्था का आकलन कर एक कार्य योजना बनाने तथा उनके अनुरूप यातायात व्यवस्था संचालित करने के निर्देश भी दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई है, इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। एक तो यही है कि भाई सभी जनपदों को कहा गया कि ट्रैफिक को क्राइम एंड लॉ एंड ऑर्डर के बराबर का दर्जा दें, उसको नेग्लेक्ट ना करें, क्योंकि ट्रैफिक जो है आम जन के हर व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती है यातायात प्रबंधन। दूसरा हमने कहा जो शिकायतें हैं पब्लिक जन शिकायतें लोगों की शिकायतें उनको टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दें, अदरवाइज उनको कोई भी कैजुअली लेते हैं, क्योंकि लोगों की शिकायतें सबसे पहले दूर होनी चाहिए। तो अगर जो जहाँ से उसको अच्छे से केयरफुली नहीं किया जाएगा तो उनके विरुद्ध प्रतिकूल रुख अपनाया जाएगा, इस तरह की बातें की हैं। और उसके अलावा फिर ड्रग्स कंट्रोल पर बातें की हैं। सक्रिय अपराधी जो पिछले 5 साल में जितने अपराधी पेशेवर अपराधों में लाइट में हैं उनके विरुद्ध भी शिकंजा कसेंगे हम लोग।